प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिव्यांग जन व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन संपूर्ण आनंद सिग्रा स्टेडियम में किया गया। टूर्नामेंट में दो टीम्स पैरा संभव स्पोर्ट एकेडमी वाराणसी और किंग ऑफ मिर्जापुर की टीम के बीच मुकाबला चल रहा है। व्हीलचेयर पर ही खिलाड़ियों ने क्रिकेट के सभी नियमों को मानते हुए मैच खेला। डॉक्टर उत्तम ओझा ने कहा कि टूर्नामेंट में दो टीम्स पैरा संभव स्पोर्ट एकेडमी एवं किंग ऑफ मिर्जापुर की टीम ने भाग लिया है। इन दोनों टीम्स में पूर्वांचल के लगभग सभी जिलों के दिव्यांग खिलाड़ी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौरसिया ने बताया कि छोटे लाल पांडे एवं भारत भूषण को संयोजक और सह संयोजक नियुक्त किया गया। ये टूर्नामेंट पूर्व विधायक राजित प्रसाद यादव की स्मृति में आयोजित है। वाराणसी में एक पहले तरह का मैच है जो व्हील चेयर पर होगा, जहां बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब व्हील चेयर पर होगी और हमारा प्रयास है कि आज का प्रयोग सफल होगा तो इसको राज्य स्तर पे फिर अखिल भारतीय स्तर पर इसको हम आगे ले जाएंगे। उन दिव्यांगजनों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो घर में बैठे हैं और अपने आप को हाँ तो ऐसे ही जो यहाँ खेल रहे हैं उनको घर से निकाल कर उनके अंदर एक उत्साह भरकर और उनको मैदान में लाने का काम किया जा रहा है। कल्पना नहीं थी आज से यहाँ प्रधानमंत्री सांसद कभी कोई कल्पना कर सकता था कि दिव्यांग भी कभी वाराणसी के सिग्रा स्टेडियम में खेल सकते हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है कि आज दिव्यांग सिग्रा स्टेडियम में खेल रहे हैं। हम लोग के लिए बड़े हर्ष की बात है कि आज सिग्रा स्टेडियम में पहली बार व्हीलचेयर पे क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है और ये पूरे वाराणसी के लिए एक मैसेज है कि कोई भी दिव्यांग अगर उसके भीतर क्षमता है तो अपनी क्षमता के अनुसार वो आकर के यहाँ पे खेल सकता है। राज्य सरकार से मैं और केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि दिव्यांगों को भी खेल में प्रोत्साहित किया जाए, आगे के लिए हम लोगों के लिए भी सशक्त योजनाएं बनाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग इसमें शामिल हो सके। उन दिव्यांगजनों के लिए क्या कहेंगे जो अपना मनोबल गिराकर मैं उनको आह्वान करूंगा कि वो सारे लोग बाहर निकले। हम लोग समय समय पे प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं, वो भी अपने भीतर जो क्षमता है उसको बाहर निकाले। हम लोग समय समय पे टीच करते हैं, सिखाते हैं कि सारे दिव्यांग साथी आकर के बेहतर से बेहतर। इसी दौरान संयोजक छोटे लाल पांडे ने बताया कि अगर ये प्रतियोगिता सफल होती है तो इसका विस्तार देकर राज्य एवं अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले किया गया था।